अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। ये जो आप 3D एनिमेशन लोगो की क्लास देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप 3D एनिमेशन लोगो देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने एक बकायदा एक क्लास बनाई है आप लोगों के लिए, जिसको आप पेड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप 3D एनिमेशन लोगो बनाना आसानी सीख सकते हैं। मैंने इस तरह से इस क्लास के अंदर सभी को गाइड किया है, ठीक है। ये एक छोटा सा डेमो है, इसके अंदर मैंने समझाया था कि हम किस तरह से PSD को एक एनिमेशन तक लेके जा सकते हैं, किस तरह से हम एक ग्रेडिएंट बना के इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं ग्रेडिएंट को। ग्रेडिएंट बनाने का तरीक़ाकार भी मैंने इस क्लास के अंदर शेयर किया है, और मैंने वो दो तरीके शेयर किए हैं जिस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर इसको 3D एलिमेंट तक लेके जा सकते हैं। मैंने दो तरीक़ों से गाइड किया, आप इलस्ट्रेटर के ज़रिए भी कर सकते हैं, कोरल ड्रा के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर सिखाया है कि 3D एलिमेंट के अंदर इस सभी चीज़ को हम किस तरह से बनाएंगे, ऐड करेंगे, किस तरह से हमारी तरतीब बनेगी, किस तरह से हम एक प्रॉपर 3D एनिमेशन लोगो बना सकते हैं, ठीक है। वो सारी बातें, जो पॉइंट हैं, जो नुक्ते हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस क्लास के अंदर कवर की हैं। तो ये क्लास आप आसानी मुझसे ले सकते हैं रابطہ करके। तो आप इस डेमो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से एक 3D एनिमेशन जो लोगो है वो तैयार हो रहा है। इसके अलावा आप आफ्टर इफेक्ट के रिलेटेड डाटा ले सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट की इंस्टॉलेशन ले सकते हैं, इंट्रोज पेड के अंदर मौजूद हैं, 3D एनिमेशन लोगो मौजूद हैं, कोरल ड्रा, इसके अलावा हर तरह का मेरे पास जो डाटा है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, जो आप पेड कर सकते हैं। बाकी आप ऐसी क्लासें और भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आप कोई अपना आइडिया मुझे दे सकते हैं कि सर आप इस पर हमें क्लास बना के दें, जिस चीज़ को आपको समझ नहीं आ रही मैं आपको वो चीज़ बना के दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ किस तरीके से बनेगी, और मैं आपको मेन पॉइंट भी गाइड करूंगा जो कि YouTube पे किसी ने भी गाइड नहीं किया होगा। तो बाकी आप इस क्लास को लेना चाहें तो आप रابطہ कर सकते हैं, नीचे नंबर आ रहा होगा, और आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है ना वो जाके व्हाट्सएप पर रابطہ कर सकते हैं, और आप इसको आसानी ले सकते हैं, और आप 3D एनिमेशन बनाना सीख सकते हैं, और आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं वॉइस के बिना भी जो है ना वो डाल सकूं इधर YouTube चैनल के ऊपर। बाकी जो क्लास पेड के अंदर है वो वॉइस के साथ है, वो वॉइस के साथ मिलेगी, और जो YouTube पे मिलेगी उसके अंदर म्यूज़िक ऐड होगा, लेकिन उसकी जो स्पीड है ना वो थोड़ी ज़्यादा होगी।